Which school is this? Chhota High School. Good morning, everyone. We have initiated the drive of Clean India physically, but the fruitfulness of this program will only be achieved if we bring a change in the thought process in our mind. We are thankful to our Honorable Prime Minister who took the initiative of the Swachh Bharat Abhiyan. We are also thankful to our Chief Minister Mamata Banerjee who planted 200 saplings in the garden of Victoria Memorial. Now, by not taking much of your time, we would like to start a performance for which we have been practicing from 2 weeks. So now, let me introduce you to the super sensuous, super bold, Miss Banerjee, standing pleasantly at her balcony and looking at the view. When you look at her, it does something to you. So just take a look. पता नहीं किसी मैनर्स नहीं है, कुछ पता नहीं कल तक कौन पे गया था सर पे।
Asif. He's such an awesome man. The thing which I like most about him, that he drinks water too much. And he mostly visits Fort William. Wanna know the reason why? Just take a look. कहीं भी कर लो साथियों के साथ सड़क की सफाई करेंगे। जनता का आलम टूट पड़ा है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज समय आ गया है हमें अपने आप से वादा करना हो, अपने देश को चमकाना हो। क्या राय है आपकी? उन्हें और उनके साथियों को ग्लव्स और मास्क दिया गया, जिसे पहनकर वो सड़क पर झाड़ू लगाने लगे। थोड़ी सफाई करके वह सब फोटो खिंचवाने चल पड़े, मानो उनका फोटो सेशन चल रहा हो। फिर उस गंदगी को कर्मचारियों को साफ करना पड़ा। वहां पर कुछ बीटेक के छात्र भी थे, उन्होंने भी इस दृश्य को देखा। क्या होगा इस देश के लोगों का जो इस दिखावे पर जी रहे हैं? ये लोग इस दिखावे का शिकार हो रहे हैं। कैसे बताएं हम लोगों को कि ये जो कचरा है हमें अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी साफ करना है। देश हमारा, स्वास्थ्य हमारा, स्वच्छता रखना भी हमारा कर्तव्य है। हाँ 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 सही। चलो अब हम मीडिया वालों को हकीकत बता रहे। चलो चलो जी। हमें आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? हमें कुछ लोगों का पर्चा पास करना है। कैसे लोग? कुछ जाने माने। देखो तुम सब बच्चे हो, बच्चों वाले काम करो और हमें अपना काम करने दो। लेकिन क्यों? नहीं नहीं चलो दोस्त, यहाँ हमारा कुछ नहीं, तुमने हमें क्यों रोका? दोस्त मैं मीडिया की इस व्यवहार से अनजान नहीं हूँ। मीडिया प्रस्तुत सरकार का पक्ष लेती है। अगर बैबी जैसे लोग कंप्यूटर का आविष्कार कर इतने लोगों को जोड़ सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, तो हम छात्र होकर क्यों नहीं?
इसके लिए हमें कड़ी मेहनत, सुविधा, समय, पैसे और बुद्धि की जरूरत है। जहाँ चाह वहाँ रहा, कुछ न कुछ हम सभी मिलकर कर लेंगे। वह सब बच्चे इन सब चीजों को एकत्र करने में लगते हैं। चलो हम लोग कोडिंग करते हैं। हम टेस्ट कर देते हैं। हम लोग मशीन परेशान करते हैं। उन्होंने फिर एक ऐसा यंत्र बनाया जो जगह जगह पर डस्टबिन की जगह लगाया गया। इस यंत्र का नाम बैंडिकूट था। यह यंत्र एक रोबोट था। यह किसी भी व्यक्ति के चाल को रीड कर उनके द्वारा की गई गंदगी का चित्र लेकर उसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता था, ताकि यह सब चीज लोगों तक तेजी से पहुंच सके। हमारा कोडिंग हो गया। हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने मशीन तैयार कर ली। चलो टेस्ट करते हैं। आप यहाँ गंदगी नहीं फैला सकते। आप यहाँ गंदगी नहीं फैला सकते। आप यहाँ गंदगी नहीं फैला सकते। अरे हम कामयाब हुए। हम कामयाब हुए। हम कामयाब। चलो चलते हैं। हम इसे यहाँ लगा देंगे। आप यहाँ गंदगी नहीं फैला सकते। हमें इस देश को साफ रखना है। इस देश के सड़क स्टेशन सबको साफ रखना है। मैं एक ही बात को बार बार कहता रहूँगा, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। आपको ये देश को साफ रखना है। ऐसे तो हम ये काम सदियों से करते आ रहे हैं, पर इसे साफ करने के लिए हमें लोगों के मानसिकता को बदलना होगा। हमें इस देश के सड़क को, स्टेशन, गांव को ही नहीं, बल्कि मैं इस देश के हर जगह को साफ रखने की कोशिश करता हूँ। एक ही बात को बार बार दोहराता हूँ। अंत में बच्चों को उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। आओ जनता तुम्हें दिखाए हालत हिंदुस्तान की, इस मिट्टी में जन्म लिए हो, इस मिट्टी की शान की। सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते। यदि सफाई ना हो तो हम इंसान कहे के वास्ते, यदि सफाई ना हो तो हम इंसान कहे के वास्ते। सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते। उत्तर में है खरा हिमालय रहा पुकार सदियों से, देख मेरे ना वास्ते, करो सफाई अपने वास्ते। पूरब कहता कदम से कदम मिलाओ, झाड़ू उठाओ मेरे साथ में, करो सफाई देश के वास्ते। दक्षिण से घर घर पुकारती सागर की लहरें, करो सफाई नीर के वास्ते, हम सबके वास्ते। सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते, सफाई के वास्ते। लॉन्च किया था। अरे वाह वाह, पहले आप
वच में अपना पूरा पैसा और समय बर्बाद करे। अरे शहरों में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए भैया बैठिए। अरे बैठिए, इन्हें प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बात करते हैं। From its roots, true and permanent Swachh will not
किसी का बलात्कार हो गया तो आज किसी का मर्डर, कहीं चोरी तो कहीं धर्म के नाम पे दंगे, ये सब हमारे भारत को अस्वच्छ बना रहे हैं। और जब तक हमारे मन से ये मैल साफ ना हो जाए, भारत को स्वच्छ बनाना मुमकिन नहीं है। देश की सफाई, एक बार, बस एक बार मन की सफाई हो जाए तो देश अपने आप साफ हो जाएगा। तो चलो चलते हैं एक ऐसे देश में जहां की सिर्फ सड़कें ही नहीं लोगों के मन भी स्वच्छ हैं, जहां सिर्फ दोस्ती और भाईचारा है, सिर्फ दोस्ती और भाईचारा।